मौत हो जाती है, वो कट जाते हैं, तब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों पड़े? क्योंकि हमारे घर से कोई भी मजदूर नहीं हुआ। हम लोग एक मिडिल क्लास के लोग हैं और हमें इन सारी चीजों से फर्क नहीं पड़ता। हमें इन चीजों से भी फर्क नहीं पड़ता है कि कहाँ पर किन मजदूरों को तनख्वाह कट रही है, कहाँ पर किन मजदूरों के रोजगार छीने जा रहे हैं। वो कंपनियां जिन्होंने पीएम केयर फंड में बड़े बड़े दान दिए और वादा भी किया कि वो और बड़ा दान देंगे, वही कंपनीज अपने वर्कर्स की, अपने एम्प्लॉयज की सैलरी भी कट कर रहे हैं। इसी बीच हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रकट होते हैं। प्रकट होके वो कहते हैं कि 20 लाख करोड़ पैकेज दिया जाएगा, लेकिन कैसे दिया जाएगा वो इस बारे में नहीं बताते। वो ये बात बोल देते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे, विस्तार से जानकारी देंगे। निर्मला सीतारमण अगले 3-4 दिनों तक लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताती जाती हैं कि यहाँ पर ये चीज मिलती जाएगी। इसी बीच उन्होंने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया, कभी ये नहीं बोला कि जो मजदूर पैदल चल रहे हैं, जो मजदूर घर जाना चाहते हैं, उनके लिए हम लोग घर भेजने के लिए, उनके खाने पीने के लिए कितना पैसा खर्च करेंगे। इसी बीच सरकार अपनी पीठ खुद थपथपाने को आमादा है, वो अपनी तारीफ खुद किए जा रही है। कल एक बहुत प्रतिष्ठित मीडिया चैनल पे बड़े इत्मीनान से, जिस तरह इत्मीनान से मैं धीरे धीरे बात कर रहा हूँ, उसी तरह इत्मीनान से स्मृति ईरानी जी, जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो धीरे धीरे हौले हौले बात कर रही थी और वो बता रही थी कि किस तरीके से सरकार ने मजदूरों के ऊपर काम किया। और उन्होंने एक एग्जाम्पल ये भी दिया कि अगर जो विपक्ष में लोग हैं उनकी सरकार होती तो स्थिति बद से बदतर हो जाती। क्या स्थिति बद से बदतर हो जाती या स्थिति अभी ही काफी बद से बदतर है, ये जानने के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं रालोसपा के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता फजल इमाम साहब। फजल इमाम साहब का बहुत बहुत स्वागत है डेमोक्रेटिक चरखा पर। शुक्रिया आमिर। अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे थे वो चर्चा ये थी कि अभी हम लोग एक सबसे बड़े ह्यूमन क्राइसिस से गुजर रहे हैं। अपने 23 साल के जीवन में मैंने कभी इस तरह से इतना बड़ा पलायन नहीं देखा, मेरे नानी ने भी नहीं देखा, मेरी माँ ने भी नहीं देखा। सभी लोगों का ये कहना है कि ऐसा लग रहा है जैसे पार्टीशन के बाद लोगों का पलायन हुआ था, ये उस तरह का पलायन है कि लोग भगदड़ मच रही है, लोग अपने घर जाना चाह रहे हैं। लेकिन इस बीच में कोई भी ट्वीट, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री काफी एक्टिव है ट्विटर पे और सोशल मीडिया पर, वो इस तरह की कोई बात नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि ये तो मानवीय स्वभाव है, लोग जाएंगे ही अपने घर। तो बतौर एक विपक्षी नेता क्या जवाबदेही आपकी बनती है, क्या जवाबदेही सरकार की बनती है और क्या जवाबदेही समाज की भी बनती है? देखिए आमिर, आपने ठीक अपने इंट्रोडक्शन में जो कहा कि सरकार, केंद्र की सरकार जिसने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया, उनकी प्रायोरिटी, उनकी प्राथमिकता प्रवासी मजदूर कहीं है नहीं, दिखाई नहीं देते हैं। दरअसल एक जो सरकारें भी हो, जिस तरह से काम कर रही, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या बिहार उत्तर प्रदेश की सरकारें हो, प्रवासी मजदूरों उनकी चिंता के केंद्र में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। बतौर विपक्ष, आपने चूंकि मुझसे कहा कि विपक्ष के तौर पर हम क्या कर सकते हैं, तो विपक्ष के तौर पर हम लोगों ने, हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने शुरू से ही नीतीश कुमार जी से, चूंकि हम बिहार में हैं, बिहार की राजनीति, तो वहां के मुख्यमंत्री के साथ सारे फैसलों के साथ हम खड़े रहे। और सिर्फ बिहार, क्या प्रधानमंत्री ने भी जो फैसले, लॉकडाउन लिए या जनता कर्फ्यू लिया का फैसला लिया, उन तमाम फैसलों के साथ न सिर्फ ये कि सत्ता पक्ष बल्कि पूरा विपक्ष खड़ा रहा। लेकिन अब जबकि हम प्रवासी मजदूरों को सड़कों पे, एक मजबूरी का मार्च भी हम कह सकते हैं, मजदूरों का मार्च तो है ही, वो एक मजबूरी का भी मार्च वो चल रहा है सड़कों पर, वो अंदर से कहीं मर्माहत करता है हम तमाम लोगों को। सरकारें संवेदनहीन हो गई हैं, तो हम तमाम लोगों ने ये मांग की थी उस वक्त भी। और आपको चूंकि बता दे, पार्टी का एक बहुत क्लियर स्टैंड हम लोगों ने 25 अप्रैल को मजदूरों की मांग को लेकर, कि जो प्रवासी मजदूर बिहार से बाहर के प्रदेशों में हैं उनको, और छात्रों, कोटा में फंसे छात्रों के अपने राज्यों में लाने की मांग को लेकर हम लोगों ने
इस घरबंदी, इस तालेबंदी में एक नई राजनीति को भी एक जगह दी थी। कह सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की अगुवाई में पूरे प्रदेश में रालोसपा के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घरों में 2 घंटे का उपवास रखा था, जिसमें 7 सूत्री मांगे थी, जिसमें मजदूरों की मांगे थी, किसानों की मांगे थी, गरीबों की मांगे थी, छात्रों की मांगे थी। और बिहार में आपको जान के ताज्जुब होगा कि बिहार में शिक्षक उन दिनों हड़ताल पे थे और उनकी कम से कम 54 शिक्षकों की मौत भूख से हो गई थी। अब जाके हड़ताल खत्म हुई है, उनका वेतन नहीं दिया गया था। इन सब मांगों को लेके हम लोगों ने एक जागरूकता भी लोगों में पैदा की, अपनी वो शारीरिक दूरी का भी ख्याल रखा और अपने अपने घरों से हम लोगों ने एक विपक्ष की आवाज बनने की भी पूरी कोशिश की और एक नई राजनीतिक राह लेकिन दिखाई लोगों को। उसके बाद दूसरे फजल दलों ने इमाम भी जी, इसी राह पे आगे चल के। जी एक एक मेरा यहाँ पर सवाल आपसे ये बनता है कि सत्ता पक्ष का ये बार बार कहना, ये कहा जा रहा है कि जो विपक्ष है वो पूरे मामले को पॉलिटिसाइज कर रहा है, विपक्ष के अंदर मानवीय संवेदना पूरे तरीके से खत्म हो गई है। निर्मला सीतारमण ने भी अपने भाषण में राहुल गांधी का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि दरअसल वो जो बात कर रहे हैं मजदूरों से, वो उनका समय बर्बाद कर रहे हैं। तो क्या विपक्ष सचमुच में सरकार के साथ नहीं चल के, जो हर भाजपा के मंत्री का, केंद्रीय मंत्री का एक कोट रहता है कि प्रधानमंत्री का विरोध करते करते ये सभी लोग देश का विरोध कर रहे हैं, तो क्या कुछ इस तरीके का हो रहा है? ये तो पिछले 6 साल में एक ये नई प्रवृत्ति पैदा हुई कि सरकार का विरोध करना मतलब देश का विरोध करना, सरकार से सवाल करना मतलब देश का विरोध करना हो गया है। दरअसल विपक्ष ने सुझाव कई दिए। आप अगर केंद्र की बात करें तो राहुल गांधी ने जिस तरह के सुझाव दिए, या सोनिया गांधी ने जो चिट्ठी लिखकर सुझाव दिए, उन सुझावों पर अमल उस वक्त तो नहीं हुआ, लेकिन अब देखिए कि राहुल गांधी के कुछ सुझावों पर अभी वही सरकार अमल कर रही, चाहे वो जोन की बात, जब अभी चौथे चरण का लॉकडाउन शुरू हुआ तो जोन की बात ये कहेगी, ग्रीन जोन रेड जोन वगैरह की जिम्मेदारी अब राज्य सरकारों पर सौंपी गई। राहुल गांधी ये सवाल करते रहे कि हम लोगों ने भी वहां बिहार में, अब आप विपक्ष की बात चुके की है तो अब और मंत्रियों की बात की है, भाजपा के मंत्रियों की संवेदनहीनता की तो प्रकाष्ठा नहीं है। अभी अभी कुछ दिनों पहले पीयूष गोयल रेल मंत्री हैं, उन्होंने उन्होंने एक जान है जहां न है कोई कार्यक्रम था, वहां लोग अपने संबोधन में कहा कि 3 महीने से कोई व्यक्ति इस देश में भूख से नहीं मरा है। तो यह संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा है, पूरा देश आज देख रहा है कि कई आत्महत्या कई लोगों ने इस घरबंदी में, इस लॉकडाउन में, इस कोरोना काल में भूख से भी हुई है मौत, भूख से लोग जूझ रहे हैं। ये तो लोगों, इस देश के लोगों की आपको सलाम करना चाहिए, हम तमाम लोगों को, कि इस देश के लोगों में अभी मानवता जिंदा है बहुत हद तक। हालांकि आज भी एक एक वर्ग ऐसा है जो सिर्फ तालियां पीटने, थालियां पीटने, दिया जलाने और पटाखे छोड़ने में लगा है, लेकिन आज अब वहां आप सड़कों पे जो एक मार्च मजदूरों का देख रहे हैं, तो एक पूरा एक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनकी मदद के लिए आगे आए हैं, उन्हें चप्पलें तक दी हैं उन मजदूरों को। तो ये एक हमारे जींस में, हमारी एक देश की जो गंगा जमनी संस्कृति है उसकी एक एक मिसाल है। लेकिन लेकिन सियासत की बात, जब आपने भाजपा के मंत्रियों की बात की, मैंने पीयूष गोयल का जिक्र किया, इस देश के मंत्रियों का अजब मिजाज है। कोई कहता है कि भूख से मरे नहीं, आप निर्मला सीतारमण जी का आपने आपने मिसाल दी आपने, कि उन्होंने राहुल गांधी को लेके जिस तरह से बात की, एक मंत्री और हुआ करते हैं, उन्होंने तो अर्थव्यवस्था को बॉक्स ऑफिस के पैमाने से जोड़ के देखा था कि कौन फिल्में हिट हुई, इसलिए अर्थव्यवस्था बहुत बेहतर है। तो आप सोच सकते हैं कि पूरा का पूरा जो नरेंद्र मोदी या कुंभा है, वो किस तरह का किस संवेदनशीलता लोगों को लेकर दिखाता है। अब आपने स्मृति ईरानी जी की बात की, पता नहीं वो सड़कों पर निकली या नहीं, उन दिनों तो खूब सड़कों पर निकली थी जब चुनाव था। हेमा मालिनी से लेकर जयाप्रदा तक को हमने गेहूं काटते हुए देखा, आज गेहूं के किसान भी परेशान है अपनी कटाई को लेकर। काश बहुत सारे सोशल मीडिया पे बहुत सारी खबरें भी आई, बहुत सारे लोग हेमा मालिनी को खोज रहे हैं गेहूं कटवाने के लिए, और जयाप्रदा जी को। उस वक्त स्मृति ईरानी भी पानी लेके आग बुझाने किसी घर में गई थी, आज मजदूरों की पेट की आग को बुझाने की सुध ना तो स्मृति ईरानी को है और न हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को। बड़ी बड़ी बातें जरूर हो रही हैं।
एक वरिष्ठ पत्रकार है नसरुद्दीन हैदर खान, उनका ये आंकड़ा है तकरीबन 4 से 5 दिन पहले का, ये और बढ़ गया होगा, जी कि बिना कोरोना के लगभग 392 मजदूरों की मौत हो चुकी है। इन मजदूरों की मौत या तो सड़क हादसे में हुई है, या तो पलायन के दौरान भगदड़ में हुई है, या भुखमरी से हुई है। लगातार हमारे लोग अलग अलग जगह पर जाकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जो अलग अलग जगह से जो रिपोर्ट आ रही है, खासकर जो प्रवासी मजदूरों की है, वो लगातार पैदल चलते जा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले की एक रिपोर्ट है कि पैदल चलते चलते एक बच्चे की भी मौत हो गई। बिहार में भागलपुर में गाड़ी के पलटने से मजदूरों की मौत हो गई। लेकिन हम लोग जो हैं बतौर समाज, हम लोग राजनीति की बात को थोड़ा सा इतर करके, बतौर समाज हम लोग अपनी भूमिका में किस तरीके से पीछे छूट जा रहे हैं? हम लोग कुछ क्यों नहीं कर पा रहे हैं उस वर्ग के लिए जो जिसके बुनियाद पर ये पूरा समाज खड़ा हुआ है? देखिए, उसमें एक ये है कि जिस समाज की बात आपने कही, सही कहा कि समाज के तौर पर भी तमाम लोगों की भूमिका है। मुझे नहीं लगता कि समाज बहुत पीछे छूटा। आप देखिए कि जिस तरह सामाजिक संगठन इस संकट के घड़ी में अपने अपने तरीके से, हमने व्यक्तिगत रूप से भी, मैं जान बड़ी फौज, मैं कहता हूँ कि युवाओं को मैं बहुत तारीफ करूंगा कि युवाओं की एक बड़ी फौज किसी धर्म, जाति, मजहब, अपर कास्ट, लोअर कास्ट को देखे बिना वो मजदूरों की भी मदद कर रहा, और अपने अपने इलाके में बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं। मैं ऐसा नहीं मानता है कि काम नहीं कर रही हैं। हाँ, एक बड़ा तबका वो भी है जो संवेदनहीन है, एक बड़ा तबका वो भी है जो आज मजदूरों को पहुंचाने के लिए पैसे वसूल रहा है, एक बड़ा तबका वो भी है जो ट्रेन की बुकिंग बाद ब्लैक में टिकटें बेच रहा है। ऐसी खबरें भी मिली है, गुजरात से मिली है, सूरत से मिली है, महाराष्ट्र से मिली है, कि वो टिकट या ट्रेन बुकिंग बुक करवा लेते हैं और फिर ब्लैक में वो मजदूरों को वहां से भेजते हैं। तो एक तबका ये भी है, लेकिन एक तबका उससे इतर एक तबका ये वो भी है जो लगातार, आप देख रहे होंगे आप भी, कि चप्पलों तक पहनाता है, कुछ लोग चप्पलों तक पहनाने के लिए मजदूरों को सड़कों पर जमा होते हैं, उनको खाना भी मुहैया कराते हैं, बिस्किट का पैकेट भी देते हैं, पानी भी देते हैं। तो ऐसा नहीं कि समाज बहुत मुर्दा हो गया। अगर समाज मुर्दा हो गया होता तो आज हम इस तरह की, आज आपके साथ मजदूरों की संवेदनाओं पर हम बात नहीं कर रहे होते आमिर। चूंकि हमारे अंदर एक, वो अंदर का एक इंसान भी जिंदा है अभी, जो उनकी आंखों के आंसू को समझ सकते हैं। हम हाकिमों की बात नहीं कर रहे हैं, हाकिम तो कहीं से कोई इसमें दो राय, कि सियासत जो है ना, सियासत की जिस गली में हम भी उस गली में, सियासत की गली गली में एक अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है, और वहां लगभग जो भी सत्ता में बैठा हुआ है, उन मजदूरों का की पीड़ा को, मजदूरों की बहते हुए आंखों से आंसू को, मजदूरों की आंखों में जो दुख की इबारत है, पीड़ा की इबारत है, उसको नहीं पढ़ पा रहा। ये सचमुच इस देश के लिए सबसे शर्मनाक है, क्योंकि मजदूर, किसान, गरीब, उसकी बदौलत ये देश आज, ये भारत देश बना है। ये नया इंडिया की कल्पना जिन लोगों ने की है, इस नया इंडिया में इन मजदूरों को अलग करके कोई नया इंडिया की कल्पना कर नहीं कर सकता। और समाज की बात जब कर रहे हैं, तो समाज आज उनके साथ अपने अपने तरीके से खड़ा है। हो सकता है उसकी तादाद कम हो, लेकिन वही कम तादाद ही उस अंधेरे में एक रोशनी की किरण की तरह भी दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। और फजल इमाम एक जी, एक आप एक पकड़, आंकड़ा और देना हाँ चाहूँ एक आंकड़ा और देना चाहूंगा, क्योंकि आपने वो 20 लाख करोड़ की बात की। हमारे बिहार के ही मंत्री हैं, खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान जी ने, उन्होंने ट्वीट करके कहा था, आपके, आप संवेदना देख लीजिए, सरकार की संवेदना देख लीजिए, कि प्रति परिवार को 2 महीने में या तो 5 किलो गेहूं दिया जाएगा, या 5 किलो चावल और 1 किलो चना दिया जाएगा। आप सोच सकते हैं कि जो अगर 8 करोड़ के हिसाब से उस 3500 करोड़ रुपए की बातचीत कर ली जाए, तो उसमें एक परिवार पे 437 रुपये 50 पैसे खर्च आएंगे। आप सोच लीजिए कि 2 महीने में किस परिवार का पर चार कौन सा परिवार 437 रुपये 50 पैसे के हिसाब से खर्च करेगा। तो ये अपने आप में सर विडंबना कहेंगे, जो मानवीय त्रासदी है हमारे देश की, उस मानवीय त्रासदी में सियासत
बहुत उस माननीय राज जी को सियासत बहुत संवेदनहीन तरीके से ले रहा। आप सोच लीजिए कि 2 महीने में 437 रुपये 50 पैसे में किसी परिवार का भरण पोषण अगर हो सकता है तो सरकार की संवेदनहीनता को इससे समझा जा सकता है। और उन्होंने ये भी कहा था कि ये इतना काफी है, तो क्योंकि हम लोगों के बारे में कई लोग कहते हैं कि हम लोग बायस्ड हैं और हम लोग सिर्फ सरकार की बुराइयां दिखाते हैं और इसी निगेटिव चीजों पे हम लोग ज्यादा बात करते हैं, ऐसा आरोप हम लोगों पे लगता रहता है। तो आप भी एक वक्त में पत्रकार रह चुके हैं, आप पत्रकार थे पहले, और अभी के दौर में जो लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, एक बहुत नामी गिरामी पत्रकार है अंग्रेजी में, वो काफी ज्यादा चिल्लाते हैं, सैटेलाइट तक उनकी आवाज भी पहुंच जाती होगी, तो उनकी पत्रकारिता और जिस तरीके से पूरी दरबार की मीडिया है जो एकदम राजा का गुण गाने में लगी है, बतौर पत्रकार आप उसको जब देखते हैं तो मतलब ये तो लगता होगा कि यार ये पत्रकारिता तो शायद कभी उम्मीद हम लोगों ने नहीं की होगी। नहीं देखिए आमिर, हम लोगों ने कभी इस तरह की पत्रकारिता की नहीं। हमने अभी पिछले दिन एक आलेख भी लिखा था कि डेरा में बदल गए, मीडिया के घराने डेरा में बदल गए, जिस तरह से डेरा सच्चा सौदा है। मैंने उसी का इस्तेमाल किया था कि मीडिया के घर मीडिया घराना नहीं रहा, डेरा में बदल गए। हमने प्रभास जोशी के साथ काम किया और मुझे गर्व है कि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। मैं आज भी सीखने की प्रवृत्ति में हूँ, लेकिन इस तरह की पत्रकारिता हम लोगों ने कभी नहीं की। एक पक्षीय पत्रकारिता, समाज को तोड़ने वाली पत्रकारिता, नफरत वाली पत्रकारिता, जो लोग चीखते चिल्लाते, आज चीखने चिल्लाने को एक फैशन बन गया है। इसीलिए हम लोगों ने पिछले बहुत सारे दिनों से हम लोगों ने इस तरह के चैनलों पे जाने पे पाबंदी भी लगा दी अपने दल की तरफ से भी। पॉलिटिकल कुछ बातें होती तो जरूर होती है, लेकिन आप देखिए कि पिछले, अब लॉकडाउन में ही देखिए ना, लॉकडाउन के पहले चरण में तबलीगी जमायत आ गया, लॉकडाउन के दूसरे चरण में पॉलघर का मामला उठा दिया गया, हिंदू मुसलमान वही साधु संत। लॉकडाउन के तीसरे चरण में आप देखिए कि पाकिस्तान और गिलक्रिस्त, वहां पाकिस्तान और बलूचिस्तान और कहां कहां की योजनाओं पे बात होने लगी। अधिकांश चैनलों पे मजदूर आज जिनकी पीड़ा है वो नहीं दिखाई दे रहे हैं, जो कि असल में हिंदू मैं फिर मुसलमान कहूंगा डिबेट कि इस करना देश, बहुत आसान है, उसके लिए बस सिर्फ चिल्लाना पड़ता है आवाज तेज करके हिंदू मुसलमान डिबेट में, उसके लिए रिसर्च नहीं करनी पड़ती है, मेरा ये व्यक्तिगत तौर पे बहुत खुला मानना होता है। उसमें नहीं सही, न सिर्फ चिल्लाना पड़ता बल्कि कुछ ऐसे ही जिनको बोलने भी नहीं दिया जाता। तो इसमें सही कहा है कि कोई रिसर्च की जरूरत नहीं होती, लेकिन देखिए इस तरह की पत्रकारिता चाहे किसी तरह की हो बहुत दूर तक नहीं जा सकती है, क्योंकि आज एक जजमेंटल हो गई है। आज अदालतें स्टूडियो में लग रही हैं। पत्रकार का काम, हम लोगों को ये सिखाया गया है कि पत्रकार कभी जज नहीं हो सकता है। पत्रकार की भूमिका वकीलों की होती है, जो दोनों पक्षों की बात जनता के सामने रख दे, जनता को फैसला करने दे कि सही और गलत क्या है। तो सही गलत का फैसला भी अदालत भी लगा। आप देखिए ना, इस पूरे कोरोना काल में कई पत्रकारों ने ट्वीट किए, जैसे कि वो भाजपा के आईटी सेल के आए हों, पत्रकार खुद को कहते हैं, उन्होंने इलाहाबाद का ट्वीट कर दिया कि किसी की हत्या हो गई थी, कि जमायत के बारे में बोला तो किसी चाय वाले की हत्या कर दी, बाद में पुलिस ने खंडन कर दिया। एक बड़ा न्यूज एजेंसी है जिसने अचानक एक नोएडा की खबर दिखाई, उसमें कि वो नोएडा भी में फेक निकला। जमायत के कुछ लोग पकड़े गए, उसकी जो मुख्य चीफ है उन्होंने कहा कि अब खुदा ही खैर करे नोएडा का भी। और भी कई पत्रकार जिन्होंने इसी तरह की ट्वीट की, और इस बार खंडन पुलिस ने किया है। मैं पुलिस की तारीफ करूंगा, क्योंकि पुलिस पर भी बहुत आरोप लगते हैं, और पुलिस लगभग एक पक्षीय होके, चाहे वो दिल्ली में कर रही हो चाहे उत्तर प्रदेश में कर रही, लेकिन पुलिस ने फरीदाबाद के मामले में भी खंडन किया और उत्तर प्रदेश के मामले में, लेकिन उन्हें ऐसे फर्जी खबरों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, मुकदमे करने चाहिए थे, उसमें वो नाकाम रहे, लेकिन खंडन जरूर किया। अगर आज की ये पत्रकारिता है तो ऐसी पत्रकारिता समाज को तोड़ रही, समाज को बना नहीं रही। और हम लोग बनाया गया है, हम लोगों को तो कहा कि कई बार ऐसे मौके आए जहां
चूंकि मैं खुद मुसलमान हूं, लेकिन कई बार ऐसे मौके आए मुझे जहां आरएसएस का कवर करना पड़ा या विश्व हिंदू परिषद का, तो कहीं से बेईमानी नहीं की मैंने खबर को कवर करने, क्योंकि वो मेरा पेशेगत, मेरे अंदर का जो पत्रकार है वो एक सोच भी नहीं पाता था कि मैं यहाँ बेईमानी करूं या किसी के साथ। तो इस तरह की बेईमानी कभी नहीं की हम लोगों ने। और जहां गलत होता है, चाहे वो हिंदू पक्ष हो या मुसलमान पक्ष हो, आवाज उठाते रहे। एक बार एक डीप टीवी डिबेट में एक मौलाना से मेरी भिड़ंत भी हो गई, वो इस्लाम का जिक्र कर रहे थे। तब एक भाजपा के आज के बहुत चर्चित प्रवक्ता भी मेरे साथ थे, तो मैंने सिर्फ उन इमाम इमाम साहब से, उन्होंने वो फिल्म आई थी एक कमला हसन की, उसी पे एक डिबेट था, तो उन्होंने कुछ कहा कि आजकल सारी फिल्मों को जो है इसमें सिर्फ मुसलमानों को विलन दिखाया जाता है और ये किया जाता है और वो किया जाता है। तो मैंने उनसे सिर्फ ये कहा कि देखिए, अगर आप इस्लाम की बात करते हैं तो कायदे से हम लोगों को टीवी पे आना नहीं चाहिए। और एक महिला एंकर थी वहां, और हमने कहा कि इस्लाम ये भी सिखाता है हमें कि पर्दा सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, पर्दा मर्दों के लिए भी होते हैं। अब वो बगले झांकने लगे, फिर 3, 13, 9, 18 जो है, हमने कहा नहीं, मुझे बात करने दीजिए, चूंकि आपने इस्लाम पे बात की है और इस्लाम में फिल्में देखने की आपने बात की, तो मैं कम से कम 25 फिल्मों के नाम ऐसे लिख देता हूँ जिसमें मुसलमानों का चरित्र इतना अच्छा है। हमने कहा कि शोले फिल्म देखा आपने, उसमें इमाम साहब का बहुत छोटा कैरेक्टर है लेकिन पूरी फिल्म उन पे टिकी हुई है। इसी तरह मैंने और भी कई फिल्मों का किया। हमने कहा कि फिल्में आपको मजहब से मत जोड़िए, फिल्में बाजार का हिस्सा होती है। तो मौलाना साहब बहुत तिल मिला है। तो जहां सच को सच कहने की बात होती है तो हम लोग सच को कहते हैं, वो मजहब हमारे बीच कहीं नहीं आता। लेकिन आज की पत्रकारिता में, क्योंकि पत्रकारिता रही नहीं, एजेंडे पे काम कर रहे हैं लोग, जो जो भी चीख रहे हैं चिल्ला रहे हैं आमिर, वो एजेंडा चला रहे हैं। लेकिन ये एजेंडा चलाने वाले भूल गए हैं वो दिनकर की पंक्तियां है कि जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और उसे विपक्ष की भूमिका ज्यादा निभानी चाहिए। जिस तरह से आप, हम लोग थिएटर भी से भी जुड़े रहे, थिएटर की भूमिका भी विपक्ष की भूमिका ही अदा करती रहती है सत्ता के खिलाफ। बराबर थिएटर भी, पत्रकारिता भी, यानी वो जो मीडियम्स हैं वो विपक्ष की आवाज ही बनती है। विपक्ष की आवाज, बिल्कुल आलोचना करना जरूरी है, लेकिन दिक्कत ये हो गई है कि आज पत्रकारिता कहीं बंद गली में खड़ी हुई है, बिसूर रही है। हम तमाम लोग बार बार चीख उसे उस गली से निकालने की कोशिश कर जरूर कर रहे हैं, और वो मुहावरे वाला नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि पत्रकारिता के अच्छे दिन भी आएंगे। अभी तो पूरे देश के ही कहा गया था कि अच्छे दिन आएंगे, तो अब वो अच्छे दिन तो हम लोग देख रहे तो इसीलिए मैंने कहा कि हैं। मुहावरे वाला नहीं, और बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा कि उस मुहावरे वाला नहीं। और जैसा आपने कहा कि आपने थिएटर भी किया, थिएटर में भी विपक्ष की भूमिका रहती है। अभी इसके ठीक पहले हम लोग एमके रैना साहब के साथ लाइव थे, तो उन्होंने भी ठीक यही चीज बोली कि जी हम लोग यहाँ पर आके, जितने भी प्रोग्रेसिव फ्रंट के लोग थे, हम लोग यहाँ आके फेल हो गए हैं, क्योंकि एक ऐसी सरकार तो है सत्ता में जो अपनी आलोचना नहीं झेल पाती है। मैं इसमें सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को नहीं बोल सकता हूं कि उनका दोष है, ये दोष उनके ट्रोल्स का है, जो कि शायद जी इस इंटरव्यू के बाद आपके पीछे भी हो सकता है पड़े, मेरे पीछे भी पड़े। तो इस तरीके के ट्रोल्स सबसे बड़ा खतरा हो जाते हैं समाज के लिए। तो जहां सोशल मीडिया इतने लोगों की आवाज भी बनती है, तो क्या सोशल मीडिया अगला, मतलब कहा जाए, वर्बल मॉब लिंचिंग की तरफ भी हम लोग बढ़ रहे हैं? ये तो हो रहा है, आपने कहा भी, ये तो हो रहा है। अभी कल ही आपने, यशवंत सिन्हा पूर्व मंत्री हैं, भाजपा से जुड़े रहे, वो कल राजघाट पे उन्होंने एक अनशन भी किया था मजदूरों के सवाल पर ही, और उनको फिर जब गिरफ्तार उन्होंने किया ट्वीट गया। किया तो उन्हें गिरफ्त अरेस्ट पे छोड़ा गया। तो उनका एक ट्वीट देखिए अभी जो था कि मेरे खिलाफ उनकी मौत तक की दुआ की गई लोगों ने। उन्होंने से ऐसा उन्होंने ट्वीट करके बताया कि मुझे मरने तक की बात कही गई। तो उन्होंने ये कहा कि मुझे इस तरह की मरने की बात जब जब लोग करते हैं तो मुझे और जीने की ताकत मिलती है। तो एक चीज ये तय है आमिर, कि जितने देखिए, अंधेरा बहुत देर तक रहता नहीं, अंधेरा ठीक है जब तक रहता है तब तक वो अपना खेल खेलता रहा, ये अंधेरे का खेल भी
एक वक्त तक तो जारी रहेगा। मैं बहुत नाउम्मीद, क्योंकि देखिए लेखक पत्रकार थिएटर से जुड़े हुए लोग, एक चीज और जो आपने कहा कि थिएटर, हमको लगता है कि थिएटर लेखक वगैरह भी थोड़ा सा अभी चुप हो गए हैं, जितना मुखर होना चाहिए था। आप डर लगने लगा है, हो सकता है कि डर भी रहे हो, लेकिन इस डर को अपने अंदर से निकाल के सड़कों पर लेखकों को भी आना होगा। उन्हीं अगर आप आपातकाल के समय में देखें तो लेखकों को भी, पत्रकारों को भी एक बड़ी भूमिका रही इस जेपी आंदोलन में। तो लेखक भी आज कहीं अपने अपने खोल में सिमट गया, थिएटर के लोग भी उस मुखरता से सामने नहीं आ रहे, पत्रकारिता तो खैर आज कहाँ चौराहे पे खड़ी ही, नीलाम अपने को कर ही रही है। तो लेखकों और पत्रकार, खास के जिन पे जिम्मेदारी थी समाज को दिशा देने की, आप एक जमाने में खूब नुक्कड़ नाटक हुआ करते थे, आज वो उतना नहीं हो पा रहे हैं। तो हमको, हम तमाम लोगों को एकजुट होकर, चाहे वो जो बुद्धिजीवी वर्ग है, सियासत से अलग की बात मैं कर रहा हूँ, सियासत तो अपनी अपना काम कर रही, वो लड़ाई अपने फ्रंट पे लड़ रहे हैं, लेकिन बुद्धिजीवी वर्ग को भी एक लड़ाई अपने फ्रंट पे लड़ना चाहिए, जो पिछले 3-4 सालों में कम से कम मुझे नजर नहीं आ रही। बिल्कुल बिल्कुल। और वही है कि दिल निराश जरूर है ना, उम्मीद नहीं है, उम्मीद कहीं ना कहीं बाकी है। और जो भी मजदूरों का सवाल है, हमारी टीम डेमोक्रेटिक चरखा की टीम लगातार इस पे नजर बना के रखी हुई है। हमारे टीम के मेंबर है खालिद, वो भी लगातार वो मजदूरों के बीच ही राहत सामग्री बांट रहे हैं, और हमारी टीम उस पे खास रिपोर्टिंग कर रही है। और जब भी हम लोग इस पे बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि आज हम लोगों का मोटिव ये था कि हम लोग सत्ता पक्ष से बात करेंगे। एक तो चीज और बता लगभग दें, क्योंकि आपने समाज की बात की, आमिर आपने खाली, मैं जिस इलाके से आता हूँ, मैं तो अभी दूसरी जगह अटका अपने दूर हूँ, लेकिन उस इलाके में तुषार हैं, खालिद इमाम साहब हैं, अब और भी कई लड़के हैं, उन लोगों ने अपने एक हिंद कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई और कम से कम 2 महीने तक 300-500 परिवारों को अपने तरीके से, शेखपुरा जिला की बात मैं कर रहा हूँ, बिहार के शेखपुरा में उन्होंने अपने तरीके से काम, इस तरह कई लोग लगे हुए हैं अपने अपने तरीके से, मेरे गांव के लोग, गांव के मुखिया, पूर्व मुखिया, वो भी बांट रहे हैं। तो इस तरह के काम हो रहे हैं और गरीबों में बांट रहे हैं अपने अपने, मुझसे जहां तक हो सका, क्योंकि वक्त है बहुत है, तो कई लोगों से मैंने थोड़े 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 करके मदद लेके, लोगों की मदद करवाई है मैंने। तो और हम तमाम लोगों ने, मैं कोई नाम देना नहीं चाह रहे कि, लेकिन मैं तुषार वगैरह की तारीफ करना चाहूंगा कि तुषार हैं, खालिद हैं और भी दूसरे लोग हैं, उन लोगों ने इतनी मेहनत, इतनी शिद्दत के साथ काम किया कि यकीन नहीं आता है कि इस छोटी सी उम्र में, अभी 20-22 साल की उम्र है उन लोगों की, लेकिन इस कोरोना काल में उन लोगों ने जिस तरह से मदद की, जैसे आपने खालिद की बात की, उसी तरह से वो लड़के लगे हुए हैं, और हम बिल्कुल इलाके में पूरे बहुत सारे लड़के लगे हुए हैं, हमारी पार्टी के कम से कम सैकड़ों कार्यकर्ता हैं, कटिहार से लेके सीवान तक, फैयाज एक लड़का है, उमाकांत है, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। तो वो सारे लोग लगातार काम कर रहे हैं अपने अपने इलाके में, और हम लोगों ने एक और, अपने मेरी पार्टी ने बीच में एक और काम किया, 25 से 26 अप्रैल से लेके 29 अप्रैल तक, 5-5 लोगों से, 5-6 दिन 5-5 लोगों से पैसे वसूले, चंदे लिए, और 1 मई को मजदूर दिवस को वो पैसा उन मजदूर अपनी तरफ से भी कुछ मिला के, हम लोगों ने ये, उपेंद्र कुशवाहा ने यही कहा था कि पैसा भिक्षाटन कीजिए, इलाके के 5 लोगों से, ज्यादा नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए, वो लॉकडाउन का पूरे पालन करते हुए लोगों को जागरूक भी कीजिए, और 5-5 लोगों से मदद लीजिए, और उस पैसे में अपना पैसा मिलाकर मई डे को, मजदूर दिवस के दिन, मजदूरों को, गरीबों को दिए। तो ये काम भी हम लोगों ने किया है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि समाज, तो ये समाज भी तो हम ही लोगों से बनता है ना, ऐसा एक एक बड़ा वर्ग है। अब तो आप मजदूर की बात कर रहे हैं, आने वाले समय मध्य वर्ग के लिए बहुत बहुत बुरे दिन विपरीत आने वाले हैं। परिस्थितियां आएंगे, क्योंकि रोजगार उसी तरीके से जा रहे हैं। एक और आंकड़ा है कि लगभग छह जी करोड़ लोगों का रोजगार पूरे लॉकडाउन में जा चुका है। तो और कई अर्थशास्त्रियों के भी बयान आ रहे हैं कि अभी तक हिंदुस्तान में सबसे बड़ा रिसेशन का दौर आने वाला है, द ग्रेट डिप्रेशन से भी बड़ा रिसेशन आएगा, बेरोजगारी आएगी। तो इसके लिए भी अभी तक सरकार बहुत ज्यादा सजग नहीं नजर आ रही है।
लेकिन हमारी कोशिश है लगातार सरकार के किसी सत्ता पक्ष के बाद से बात करने की। आज भी हम लोगों ने कोशिश की, कई लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सत्ता पक्ष के लोग बाहर नहीं आ रहे हैं जो बात करें खुल के, जो अपने अपना बयान भी जारी दें। सत्ता सवालों से घबराने लगी है आजकल। सवालों, देखिए हम पत्रकार भी सवाल नहीं कर रहे हैं, वो सवाल सुन नहीं रहे, दोनों है, दोनों तरफ वही है भाई। और ये सिर्फ आज यहाँ नहीं है, बिहार में भी नीतीश कुमार जी के साथ यही हाल, वहां के मुख्यमंत्री, उन्होंने तो आते आते 2000, आज हमने 2008 में एक आलेख लिखा था प्रेस पर अघोषित सेंसरशिप, तब से वहां एक लगी लगी हुई है वहां अघोषित सेंसरशिप बिहार में। आप बिहार के को जानते हैं बहुत बहुत बेहतर तरीके से। तो ये लोगों को सत्ता सवालों से घबराने लगी है, क्योंकि लोगों के जो मूल मुद्दे हैं उससे वो उससे उसने आंखें चुराई है सब, इसलिए बिल्कुल वो भाग रहे हैं। अगर उसने रोजगार पे ध्यान दिया होता, शिक्षा पे ध्यान दिया होता, स्वास्थ्य पे ध्यान दिया होता और दूसरी बुनियादी जरूरतों पे ध्यान दिया होता, तो शायद मजदूरों की आज ये हालत नहीं होती। नहीं होती बिल्कुल। अब वक्त हो चुक चला है हम लोगों के लाइव के इस खत्म होने का, और हम लोग फिर से लाइव आएंगे, कल बात करेंगे। उम्मीद है कि अगर कोई सत्ता पक्ष के देख रहे हो तो वीडियो के माध्यम से भी अपील है, लाइव अपील है कि आइए हम लोग बातचीत करेंगे। और हम लोग का यही मकसद है कि सत्ता पक्ष भी अपनी बात पहुंचाए लोगों तक। कुछ सवाल होंगे जो जनता के भी सवाल होंगे, हम लोग वो सवाल भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फजल इमाम साहब हम लोगों से जुड़ने का, हम लोगों से बातचीत करने का। शुक्रिया आमिर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर, फिर मिलेंगे। बिल्कुल, शुक्रिया।